में भी काम नहीं कर रहा होता। तो एक बार जोरदार ताली से काम करता है। और चौथा जो सिरे जाता है वो एक ऐसे शख्स के लिए जाता है जिन्होंने मुझे बताया इस संस्था के बारे में, और जो मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं, कहते हैं कि जन्म देते हैं माता पिता और भाग्य लिखता है भगवान, और सुर देती है लक्ष्मी माता, और गुरु देते हैं ज्ञान। तो एक बार मेरे गुरु के लिए जोरदार ताली। देखिए मैं इस सिस्टम में आया और सर ने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया, मुझे एजुकेशन दी, मैं एजुकेट हुआ यहाँ से। जैसे जैसे आप यहाँ पे बैठे वैसे वैसे मैं भी बैठा रहा, मैंने सीखा, और सीखते 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 मैंने संस्था का जो सम्मानित रैंक था टोपाज रैंक मैंने हासिल किया, और मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि यहाँ पे आपको इनकम बताया कि यहाँ पे 2,10,000 रुपये की इनकम है। उसकी मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो देखिए मैंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम दिनेश है और मैं 2005 में मेरा दिसंबर में उत्तराखंड पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, और मेरी मौत से जिंदगी मेरी कट रही थी, मजा आ रहा था। मेरे सपने जो थे छोटे मोटे सपने मेरे जो थे वो पूरे हो रहे थे, मेरी जरूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन जो चीज़ मैंने सोच के रखा था, जो मेरे विजन थे, जो मेरे गोल थे, जो मेरे लक्ष्य थे, वो मैंने पूरे नहीं हुए। तो 2022 में मुझे सर मिले, सर ने मुझे इस संस्था के बारे में बताया कि बोले कि यार अगर आप जॉब में रह के भी अगर आप पार्ट टाइम भी अगर आप काम करते हो तो यहाँ से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अच्छी अर्निंग में उन्होंने 100 करोड़ और जोड़ दिया। तो मैंने अर्निंग का तो सोचा नहीं, मेरे दिमाग में 100 करोड़ रह गया। तो मैंने कहा सर ना मेरे गांव के, ना मेरे शहर के, ना मेरे जिले के हैं और ना मेरे कस्बे के हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स जो है मुझे ऐसा प्लान के बारे में बता रहे हैं जहाँ 100 करोड़ की इनकम है। जबकि ये चीज़ मेरे परिवार वालों को बताना चाहिए, मेरे रिश्तेदारों को बताना चाहिए, मेरे ससुराल वालों को बताना चाहिए। उन लोगों ने मेरे हाथ में छुरी को दे दी लेकिन 100 करोड़ का प्लान नहीं दिया, लेकिन सर ने मुझे 100 करोड़ का प्लान दिया। मेरा विजन क्लियर हुआ, मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया, और हर वो चीज़ मैंने सर की मानी। सर ने कहा रामनगर जाना है तो मैं रामनगर गया, सर ने कहा लोहाघाट जाना है तो मैं वहाँ लोहाघाट गया, सर ने कहा आपको झूलाघाट जाना है तो मैं गया। मेरे ये साथ थे, मेरे साथ के जो मेरे साथी हैं वो गवाह हैं। मैंने धीरे धीरे यहाँ काम करना शुरू किया, काम करते 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 यहाँ पर मैंने संस्था का टोपाज रैंक हासिल किया। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि आप में से कि 2,10,000 रुपये की इनकम सर ने बहुत बड़ी इनकम ली है, वास्तव में बात सही है, लेकिन अगर बात करूँ सिस्टम की प्लेटफॉर्म की तो 100 करोड़ का प्लेटफॉर्म है। तो 100 करोड़ के सामने 2,10,000 रुपये की इनकम यूँ समझो कि हाथी के सामने चींटी। तो मैं यहाँ पे 2,10,000 रुपये की इनकम करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे 100 करोड़ की इनकम करने आया हूँ। वो 100 करोड़ मुझे इनकम तब मिलेगी जब सर का हाथ मेरे ऊपर हमेशा ऐसा रहेगा और मेरे साथियों का साथ मेरे हमेशा ऐसा रहेगा। तो अगर आपको अगर अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए, सही समय पर आप सही आदमी अगर आपको मिल जाए, तो आपको ये प्लेटफॉर्म आपको 100 करोड़ की इनकम दे सकती है। क्या आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया? मिल गया आपको ऐसा प्लेटफॉर्म? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है तो आप अपने अपलाइन पे भरोसा कीजिएगा, अपनी आईडी को लगाइएगा, अपनी आईडी लगा के अपनी एक्टिव अपलाइन से बात कीजिएगा, आप काम कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे काम करते करते आपको ये संस्था कहाँ पे ले जाएगी आपको खुद ही अंदाजा नहीं आया। क्योंकि जब मैं यहाँ पे संस्था में आया था तो मेरे कोई ऐसे बड़े सपने नहीं थे कि मैं यहाँ पे करोड़ रुपए कमाऊंगा, बहुत बड़ी गाड़ी लूंगा या बहुत बड़ा बंगला लूंगा। मैंने जो सपने देखे वास्तव में यहीं पे आके देखे। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने जॉब वालों को कभी बड़ा होते हुए देखा नहीं, जबकि मैं खुद ऑलरेडी जॉब में हूँ। तो आपको यहाँ काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 100% यहाँ पे अपना समय देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको काम करने के लिए आपको अपने अपलायन की उंगली पकड़नी है, आपसे उनसे विश्वास हूँ। और एक बार फिर से मैं आप सबको हैंड सल्यूट करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को।